भजन में और साधु संत की सेवा में भगवान भजन में लग गया है। इसलिए कोई कोई सोचता है ना थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई ज्यादा हो जाए, अरे हमारी किस चीज की कमी है, हम भजन क्यों करेंगे। लेकिन उन्होंने इतने बड़ी नौकरी छोड़ करके हैं, उन्होंने भगवान की भजन में आया है, इतने बड़ी नौकरी छोड़ करके, इसलिए हम इसके लिए ताली बजा उसकी। अरे ये बोलो। और देखो आज जो प्रसाद है, क्या नाम, हनुमान जी क्या नाम है, दादू जी। देखो इनके मन में इच्छा थी, इनके मन में इच्छा थी जो लोग नवद्वीप परिक्रमा करने जा रहे हो, जब ये नवद्वीप परिक्रमा से वापस आएंगे इन भक्तों को मैं प्रसाद दिलाऊंगा। इसलिए आज जो प्रसाद है ये भी कुछ उसमें मदद दिया है। और जिन जो लोग करवा रहे हैं प्रसाद का, हमारे श्री क्या नाम बिजली का जो परिवार के लोग, ये लोग और इन्होंने सब मिल करके आज ये भगवान की प्रसाद सब भक्त लोग खिला रहे हैं। अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हम लोग गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कलयुग के अंदर हरिनाम की कितनी ज़्यादा महत्व है। आज जो यहाँ पर प्रोग्राम अनुष्ठान आयोजित किया है, यहाँ पर माता जी के ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। अभी ठाकुर जी अर्थात श्री भगवान, भगवान कौन है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्होंने ही ये सब सृष्टि करी है। तो वो उनका जन्मतिथि कैसे हो सकती है, भगवान कभी साधारण रूप में जन्म लेते हैं, भगवान तो अजन्मा है, भगवान कौन है, वो हमारे वो सृष्टि के नियामक है। लेकिन फिर भी भक्तों को, भक्तों क्या, भक्त लोगों को क्या चाहिए, एकमात्र कोई मौका चाहिए ठाकुर जी के प्रति कुछ अनुष्ठान करने का। हाँ, आज जो ये ठाकुर जी के प्रतिष्ठा का को उपलक्ष्य करके उन्होंने साधु संत सबको आमंत्रित किया है, हरिकथा कीर्तन का आयोजन किया है, सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था करी है। किस लिए, एकमात्र हरिकथा हो और जिससे जीव का कल्याण हो, क्योंकि सत्संग से ही एकमात्र जीव का कल्याण हो सकता है। गुरुदेव भी वर्णन कर रहे थे कि हम लोग का बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। किस लिए, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक अगर देखोगे, देखोगे प्रायः हम सारी चेष्टा कर रहे हैं किस प्रकार सुखी हो सके। सब लोग सुखी रहना चाहते हैं ना, कोई दुख को आमंत्रित नहीं करता। लेकिन हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। हम पूरी इस हमारे जीवन व्यतीत करते करते सोचते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तब सोचते हैं हम लोग बढ़िया लिखा पढ़ाई कर लेते हैं, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने से सुख मिल जाएगा। थोड़े बड़े होने पर जब पैसा कमाने लग जाते हैं तब सोचते हैं कि चलो शादी कर लेते हैं, बच्चे होंगे से सुख सुखी मिलेगा, सुंदर पत्नी होगी उससे सुखी हो जाएंगे, वो भी हो जाती है। वो करने के बाद में क्या होता है, परिवार में सुख ढूंढते हैं और क्या बोलते हैं, समृद्धि बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं, उसके अंदर सुख ढूंढते हैं। लेकिन अंतकाल तक भी ये सुख हाथ नहीं आता। हाँ, सुख हाथ नहीं आता, क्यों, क्योंकि जो मूल है, मूल एकमात्र भगवान के चरणों के अंदर ही सुख है, वहां पर हम देखते नहीं। हम सुख ढूंढते हैं इस संसार के अंदर जो कि है दुखालयम। भगवान ने भगवद गीता के अंदर बताया संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। लेकिन अगर इस संसार के अंदर भी लोग सुखी रह सकते हैं, कैसे, अगर कोई भगवान से संबंध बनाकर रखे, अगर कोई संतों के साथ में जुड़ा रहे, अगर कोई भगवान से संबंध बनाकर रखे तो वो इस जगत में भी सुखी रह सकता है। और वो किस प्रकार हो सकता है, ऐसे ही ठाकुर को उपलक्ष करके सुंदर सुंदर अनुष्ठान करके, हाँ, साधु संघ में बैठकर हरि कथा कीर्तन श्रवण करके ही कोई सुखी रह सकता है। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कलिकाल के अंदर बताया कि मैं दो स्वरूप के अंदर अवतार लूंगा, मैं दो स्वरूप के अंदर अपने आप को छोड़ के जा रहा हूँ। किस किस में, एक तो बताया अर्चा विग्रह, जो ठाकुर जी बाल गोपाल राधा कृष्ण का स्वरूप जो है अर्चा विग्रह, उसके अंदर ठाकुर जी ये साक्षात भगवान ही है, ये साक्षात भगवान ही है। हमारे संप्रदाय में तो कितने सारे ऐसे संत हुए हैं जिनके साथ में ठाकुर जी साक्षात बात करते थे। हाँ, ठाकुर जी को जो चीज पसंद थी उस प्रकार से उन ठाकुर से मांगते थे कि तुम्हें आज तुम मुझे ये भोग लगाओ, आज तुम मुझे ये भोग लगाओ। ठाकुर जी को जो कुछ आवश्यकता होती थी उनके भक्तों से वो साक्षात मांग लेते थे ऐसे, क्योंकि ये अर्चा, ये इसको साधारण मूर्ति नहीं समझनी चाहिए। अगर घर में बाल गोपाल है, राधा कृष्ण है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो स्वयं तो दिन में तीन तीन चार चार बार अपने कपड़े बदला रहे, श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी को 10-15 दिनों से वो ही एक ड्रेस बना रखी, ठाकुर जी का श्रृंगार तक नहीं किया। शास्त्रों में बताया है कि ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए कैसे, आत्मवत स्वरूप।
जिस प्रकार हमें अच्छा लगता है, जिस प्रकार हमें गर्मी के समय पर ठंडी चीजें पसंद है, उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। सर्दी के समय पर हम जैसे गर्म पानी से स्नान करते हैं, गर्म गर्म चीजें खाते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए आत्मवत स्वरूप में। अगर वैसा हम करेंगे, क्योंकि देखो ठाकुर जी को किसी चीज का अभाव नहीं है। ठाकुर जी को आपसे गर्म दूध भी नहीं चाहिए और ठंडा पानी भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी एकमात्र भाव के भूखे हैं। कहते हैं ना, भगवान का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के भूखे हैं। जब महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण गए कहां पर? दुर्योधन के पास में। दुर्योधन ने उन भगवान के लिए 56 भोग बनाकर रख रखे थे। सोचा था ये ग्वाला, इसने कभी क्या खाया होगा, मैं 56 भोग खिला के इसको प्रसन्न कर दूंगा और उसके बाद में इसे अपने पक्ष में ले लूंगा, पांडवों के विपक्ष कर दूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने क्या उनके यहाँ पर 56 भोग खाए? ठाकुर जी के यहाँ 56 भोग खाए? ठाकुर जी आत्माराम आप्त काम है, उनको किसी की भूख नहीं, उन्होंने उसके यहाँ 56 भोग नहीं खाए। लेकिन वहीं से जब गए विदुरानी के घर पे, जब विदुर जी के घर पे गए, वहां पर विदुर जी थे नहीं, विदुरानी थी। विदुरानी ठाकुर जी के दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई, इतनी बावली हो गई कि कहां पर आसन दूं, कहां पर उन्हें बिठाऊं, क्या उनकी सेवा करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। फिर ठाकुर जी को आसन देकर क्या करा, पास में केले दिखे, सोचा ठाकुर जी को केले ही खिलाऊंगी। अभी ठाकुर जी के रूप की तरफ ताक रही है, ठाकुर के मुख का दर्शन कर रही है, वो विशाल नयन, भगवान की मंद मंद मुस्कान, उसको देखते देखते भगवान के रूप का दर्शन करते करते क्या कर रही है, हाथों से केला छिल रही है। और केला छिलते छिलते जो हाथ में छिलका था, छिलका तो भगवान को खिलाने लग गई, और केला मूल जो फल था उसको फेंक रही है। ठाकुर जी की तरफ निहारती जा रही है, केले के छिलके खिलाती जा रही है और फल फेंकती जा रही है। ठाकुर जी भी प्रेम के वशीभूत, वो भी क्या कर रहे हैं, उसी प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं। केले के छिलके खाते जा रहे हैं ठाकुर, केले के छिलके खाते 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 खाते, और तभी उस समय पर विदुर जी आए। विदुर जी ने जब दूर से देखा कि ये पागलिनी, ये ठाकुर को साक्षात कृष्ण आज हमारे घर में आए हैं और उनको फल ना खिला के फल का छिलका खिला रही है, तभी उस पर शासन करते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं, बोले मूर्ख तुम देखो तो, पागल तो, ये क्या कर रही है, भगवान हमारे घर में आए हैं और तू उसको फल खिलाने की जगह फल का छिलका खिला रही है। उसके बाद में विदुरानी ने क्या किया, वहां पर सतर्क होकर और ठाकुर जी को अभी केला खिलाने लगी। किंतु जब केला खिलाने लगी उस समय पर भगवान बोलते हैं, बोले विदुर जो रस इस फल के खिलका, केले के छिलके खाने में जो आनंद आ रहा था, केले के छिलके खाने में जो रस आ रहा था, वो अब ये केले खाने में नहीं आ रहा, वो अभी केला साक्षात खाने में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जिस भाव से, जिस प्रेम से विदुरानी पहले केले का छिलका खिला रही थी, वो भाव अभी यहाँ पर नहीं है, वो भाव तो तुमने आकर भंग कर दिया। इसलिए ठाकुर को ना ही तो केले में रस है, मिलता है, ना ही केले के छिलके में। ठाकुर को तो दोनों की ही आवश्यकता नहीं है। ठाकुर को ऐसे ही हम जो भी भगवान को भोग लगाते हैं, ठाकुर उसकी आवश्यकता नहीं है, ठाकुर को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठाकुर एकमात्र उससे हमारे भाव को ग्रहण करते हैं, जो हमारा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, उसी को ग्रहण करते हैं। वो ही ग्रहण करके वो हमको क्या करते हैं, उनके प्रति एक संबंध स्थापित हो जाता है, ठाकुर के यह साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए बता रहे श्रीमन महाप्रभु कि ये विग्रह नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये कृष्ण को, ये जो विग्रह यहाँ पर दिख रहे हैं, इसको सामान्य मत मानो, ये साक्षात भगवान है। इसलिए कलयुग के अंदर एक स्वरूप तो ये कृष्ण साक्षात विग्रह के रूप में आए हैं, दूसरा स्वरूप बता रहे हैं ये भगवान का नाम, ये भगवान का नाम जो हरे कृष्ण, बोलो सब एक बार पीछे पीछे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनने में ऐसा लगता है सामान्य, हरे कृष्णा ये एक मंत्र है, लेकिन क्या ये साक्षात भगवान है? बोले हाँ, ये साक्षात भगवान है। इसलिए बताया महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यांगता राजन विश्वासु ने विजायते। जिन लोगों के अल्प पुण्य है, जो लोग पापी व्यक्ति हैं, उनको भगवान के नाम पर विश्वास नहीं होता, उनको भगवान के नाम पर विश्वास नहीं होता। लेकिन ये भगवान का नाम उनसे अभिन्न है, ठाकुर का नाम उनसे अभिन्न है। और इनफैक्ट भगवान का नाम क्या है, हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम के अंदर इतनी शक्ति है, वो भगवान से भी स्वयं बड़ा है। हाँ, इसलिए एक भजन है ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, इस सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम, श्री राधे राधे जिस सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम, श्री राधे राधे खुद गए हनुमान उसी को, खुद गए
भगवान का नाम में इतनी शक्ति है कि हनुमान जी जिस भगवान का नाम लेकर सागर को पार कर गए, जिस पुल को पार करने के लिए भगवान को स्वयं पुल की आवश्यकता पड़ी, जिस सागर को पार करने के लिए जब सीता जी का अन्वेषण करने लगे, पता चला सीता जी लंका में है, पता चला सीता जी लंका में है, भगवान राम ने क्या किया, उस समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए कहा। भगवान का नाम दो पत्थरों पर, एक पे रा लिख रहे हैं, एक पे मा लिख रहे हैं, दोनों पत्थर को जाकर जब समुद्र में फेंक रहे हैं, दोनों पत्थर मिल जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं और वहां पर एक पुल तैयार हो गया भगवान के नाम से ना। लेकिन भगवान स्वयं उस पुल के ऊपर चल के जा रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो पुल तैयार कर पा रहा है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हनुमान जी उसी नाम को लेकर जय श्री राम का जयकार किया और सागर को पार कर लिया। लेकिन भगवान स्वयं तो कर नहीं पाए, भगवान स्वयं कर पाए, भगवान को पुल की आवश्यकता पड़ी। इसलिए बता रहे हैं कि भगवान के नाम से, भगवान से ज्यादा शक्ति भगवान के नाम में है, भगवान के नाम में ज्यादा शक्ति है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब वह जब उसको भरी सभा के अंदर लेकर आए दुशासन केश पकड़कर, वह अपने पांच पांडव की तरफ देख रही थी, अपने पांच पतियों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है कि मेरे को विवस्त्र करने की चेष्टा ये जो कर रहे हैं, मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। बड़े बड़े धुरंधर वहां पर थे, वहां पर भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सभी लोग वहां पर विद्यमान थे और द्रौपदी सबकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि कोई मेरी रक्षा करेगा। लेकिन वहां पर किसी ने रक्षा करी, वहां पर कोई उसके काम नहीं आया। लेकिन जब उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान का नाम पुकारा, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी, भगवान ने क्या वहां पर समय लगाया, भगवान तुरंत द्वारका में थे और तुरंत अपना वहां पर आ गए और उसको वस्त्र प्रदान किए, है कि नहीं, भगवान के नाम के प्रभाव से ही ना। इसलिए बता रहे भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टक की रचना करी, बोलते हैं नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल, कि भगवान के नाम में उन्होंने सारी शक्तियां विद्यमान कर दी है। भगवान के अनेक नाम है और उन्होंने सभी नामों के अंदर अपनी शक्ति को दे दिया है, भगवान के सभी नामों में शक्ति विद्यमान है और उसको जप करने का कोई नियम भी नहीं रखा। ये जो भगवान का नाम हम ग्रहण करते हैं, आप बोलोगे हम लोग के पास में समय नहीं है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने जीवन के अंदर आचरण करके दिखा रहे कि महाप्रभु जब शौच क्रिया के लिए जा रहे हैं, जब पैखाने के लिए जा रहे हैं, उस समय पर भी भगवान ने ये नाम जप करते जा रहे हैं। बता रहे हैं ये भगवान का नाम जप करने के लिए कोई नियम भी नहीं है, जब भी तुम्हारे पास समय हो उसी समय पर भगवान का नाम करो, उसका कोई नियम भी नहीं है। भगवान ने कोई नियम भी नहीं रखा कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप करना या फिर संध्या के समय पर ही करना, कोई निर्धारित समय नहीं रखा, सारी शक्ति इस नाम के अंदर प्रदान कर दी। लेकिन फिर भी कलयुग का जीव इतना दुर्भागा है कि उसके भगवान के नाम में रुचि नहीं होती। भगवान ने इतना सहज उपाय दे दिया। सतयुग के अंदर लोग तपस्या करते थे, हिरण्यकश्यप का नाम सुना है, हिरण्यकश्यप के बारे में सुना है ना, 60,000 साल तक उसने तपस्या करी थी, तब जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर सामने वर देने के लिए आए। और उसके बाद में त्रेता युग के अंदर सब यज्ञ करते थे, भगवान राम ने भी स्वयं अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ करके दिखाया ना, तब यज्ञ करते थे। द्वापर युग के अंदर भगवान का अर्चन करने से भगवान की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग का जीव ये सारे साधन नहीं कर सकता। किसी को बोलो यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, अगर 8-10 घंटे के लिए यज्ञ के सामने बिठा दिया, किसी की क्षमता नहीं है। जो सामान्य वैष्णव यज्ञ होता है 2 घंटे के अंदर लोग झुलस जाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि यज्ञ कलयुग के जीव के पक्ष में यज्ञ संभव नहीं है, तपस्या संभव नहीं है, मन इतना चंचल है, एकाग्रचित होकर कोई बैठ ही नहीं सकता, मन इतना चंचल है। इसलिए भगवान ने बहुत ही सरल उपाय बता दिया, क्या, ये एकमात्र उनका नाम, एकमात्र भगवान का नाम ग्रहण करने से ही क्या होगा, भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए नियम पूर्वक क्या करो, भगवान का नाम ग्रहण करो। जिस जिसके पास भी माला है नियम पूर्व के, श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं यहाँ जप किया सब करिया निर्बंध, भगवान का नाम नियमित पूर्व में ग्रहण करो, उनको जप करना चाहिए, जप करना ही पड़ेगा। ये जप नहीं करने से भव सागर से पार नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता और वो कहे कि मैं सुखी हूं, मैं मान नहीं सकता। उन्होंने कई कई उदाहरण देकर बता रहे हैं। यदि कोई कह रहा है कि खरगोश के सींग उग गए, खरगोश के सींग किसी ने देखे, खरगोश के तो सींग होते नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई कहे कि खरगोश के सींग उग गए, मैं मान लूंगा। अगर कोई कहे कि मैंने रेती को पीस दिया, रेती को मंथन करके और मैंने घी निकाल दिया, उससे होगा, बोले हो नहीं सकता। अगर कोई कहे कि आकाश में फूल उग गए, आकाश में फूल खिल गए, बोले कोई कहे तो मैं मान सकता हूँ, यद्यपि असंभव है लेकिन फिर भी मैं मान लूंगा। लेकिन अगर कोई कह रहा है मैं हरि भजन के बिना सुखी हो गया, मैं भगवान का भजन करे बिना मैं सुखी हूँ, बोले मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा।
भगवान का भजन करे बिना, अध्यात्म से जुड़े बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि इस जड़ जगत का नाम ही दुखालय है। इसलिए क्या करो, भगवान का नाम जप करो, सुबह सुबह अपना समय क्या दो, भगवान को थोड़ा बहुत समय दो, बाकी दिन भर तो जो अपना करते हो भगवान का सेवा मानकर करो, लेकिन थोड़ा बहुत भगवान का नाम जप करो और उसी से जीवन सार्थक हो जाएगा। हरि नाम संकीर्तन की जय। फूल है एक दो सबका, हाँ फूल सबका। हाँ आज ये रोहिणी सब प्रभु का आज जन्म तिथि है। सब सब का फटाफट दो। अरे क्या कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, बैठो फटाफट दो। एक व्यक्ति को दो दो बांट देगा, सबका हाथ में दे दो, बांट देगा, बांट दो, सब सब बांट दो, सब थोड़ा थोड़ा देना, सब मुझे इतना इकट्ठा करके रखा है। फटाफट बात लो, अरे मेरे पीछे पीछे बोलो सबके सब, बोले ओम स्वस्ति न गोविंद, स्वस्ति न अच्युतानंद, स्वस्ति न वासुदेव, विष्णु दधातु, स्वस्ति न वैनतेयो, हरि स्वस्ति न अंजनासुत अनुर भागवत दधातु, स्वस्ति 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 सुमंगलय केशव, सुमंगलय केशव, महान श्री कृष्ण, महान श्री कृष्ण, सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद सर्वेश्वरेश्वर, सर्वेश्वरेश्वर दधातु, लाभस्ते साम, लाभस्ते साम, जयस्ते साम, जयस्ते साम, कृतस्ते साम, कृतस्ते साम, पराभव पराभव येषां, येषां इन्दिवर श्याम, इन्दिवर श्याम, हृदयस्थो, हृदयस्थो, जनार्दन, जनार्दन, माधव, 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 वाची, वाची, माधव, 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 हृदि, स्मरन्ति, स्मरन्ति, साधव सर्वे, सर्वकार्यसु, माधव, माधव, श्रीकृष्ण, चैतन्य, नित्यानन्द, प्रभु नित्यानन्द, श्रीअद्वैत, श्रीअद्वैत, गदाधर, श्रीवासादि, श्रीवासादि, गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महाराज की जय। विनाशन कर नृसिंह देव भक्त श्रेष्ठ शिल प्रहलाद महाराज की आनंद कटि गौर भक्त वृंद जय, समाल गौर भक्त वृंद जय, गौर प्रेमानंद। हम लोग हाथ में जो पुष्प है अब हृदय से आशीर्वाद दे, किसको आशीर्वाद दे, सारा जीवन भगवान भजन गुरु वैष्णव की सेवा कर सके। बोले मंगलम भगवती कल्याणम भगवती सुखम, बोले गिरिराज महाराज की। फोटो ले लो, बढ़िया फोटो ले लो, क्या एक कोई बधाई का बधाई ला लो, आरती कर देंगे, सब के सब खड़े हो जाओ, भगवती आरती करो, अचान माता आई विशाखा दीदी, बबीता दीदी इधर आ जाओ, बबीता दीदी, विशाखा दीदी कहाँ हो, कृपा करे प्रभु जी, बबीता दीदी सामने आ जाओ, एरी एरी कहाँ है, लो इसको पकड़ो, गौर सुंदर बिहारी लाल की सुन करो, क्या कर रहे हो, आज तो बधाई बोलो बोलो, तेरी खुशियों की आई है बाहर, बधाई होवे खुशियों की आई है बाहर।